मन तो वही है। अब जैसे आप फिल्म देखने जाते हो, जाते थे पहले, अब तो नहीं देखोगे, तो 3 घंटे की फिल्म होती थी और 3 घंटे में पता नहीं लग रहा था जानो 2 मिनट होगी, 3, और वो 3 घंटे बैठ कर देखो आपके एक स्थान पर, बस की इंतजार 10 मिनट करनी हो जाना तो मुश्किल हो जाया करती, क्यों देखा करते आई नहीं। ऐसे कई कई बार उठकर देखते हैं, ट्रेन की इंतजार करनी हो 10-20 मिनट तो देखते हैं अभी तक आई नहीं, 6 बार देखेंगे 10 मिनट में उठ उठ कर आएंगे, तो वहां कैसे बैठ गए वो रिसीजन। ये समाधि जो लगाई जाती है ये इनके साथ सबसे बड़ा धोखा है काल का। जैसे आंखें बंद की, इस शरीर को पिंड बोलते हैं, ब्रह्मांड को अंड कहते हैं, ब्रह्मांड में जो भी गतिविधि जहां विशेष स्थान पर हो रही है उसका, उसको हम अपने इस शरीर रूपी टेलीविजन में देख सकते हैं। इसके चैनल हैं मूल कमल, स्वाद चक्र, स्वाद कमल कह लो इसको, और नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, संसार कमल। अब ये जो समाधिस्थ होने, परमात्मा की चाह किसको होती है, जो पिछले जन्मों से ही परमात्मा की साधना करता रहा है और उसकी, वो रुक नहीं सकता भगवान की भक्ति बिना, कोई ना कोई सहारा उसने मालिक का ले रखा है, चाहे वो झूठा है चाहे ठीक है या गलत, उसको नहीं मालूम। फिर आत्मा की संतुष्टि तभी होती है जब वो कुछ कोई साधना करती है, कोई व्रत रख कर है, संतुष्ट है, कोई मंगलवार न प्रसाद बांट देता है उसी से संतुष्ट है, और कोई देवताओं की पूजा में करके ही कहता है मैंने कुछ कर लिया। तो इस आत्मा का परमात्मा की भक्ति बिना इस, ये टिक नहीं सकती, तो इसलिए ये अपना कहीं ना कहीं जुगाड़ जोड़े रहती है। तो जब ये समाधिस्थ होने की चेष्टा करता श्रद्धालु, काफ़ी वर्षों तक आंखें बंद करके अंदर ये आत्मा टक्कर मारती रहती है, और किसी कारण से इसके पिछले पुण्य कर्मों के कारण कोई चैनल ऑन हो रहा है इसका पहले से। अब तो ढाई ढाई घंटे सुबह, ढाई घंटे शाम में बैठनी है, इरादा स्वामी पंथ धन धन सतगुरु वाले, इन्हें कख भी ना बेरा के दिखे अंदर, ये तो तुक्के हुए बकवाद कर रहे हैं बेमतलब की, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उन ऋषियों को दिखाई देता था, क्या दिखाई देता था, जैसे कोई चैनल ऑन हो गया, कोई कमल खुल रहा हो पिछले पुण्यों से, हठ योग से वहां पहुंच गए वो, तो उसको अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे आप कोई चैनल ऑन किया टीवी चैनल, उसमें जो भी उस स्थान पर कोई क्रिया हो रही है वो टेलीविजन में दिखाई दे रही है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई खबर आ रही है या कोई और दिखा रहे हैं कुछ तमाशा नाटक आ रहा है, ऐसे इस टेलीविजन या अर्थात चैनल के अंदर ऊपर जहां उसका कनेक्शन है उस चैनल का, उस लोक में जैसे विष्णु जी के लोक का चैनल ऑन हो गया मान लीजिए, अर्थात आपका नाभि कमल खुल गया, ऑन हो गया, चालू हो गया, और आपकी आत्मा वहां पहुंच गई हठ योग से, क्या देखेगा वो, क्योंकि विष्णु जी का लोक बहुत बड़ा है, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, और उसके अंदर जगह जगह पर अलग अलग स्थानों पर बहुत अच्छे बाग बगीचे, झरने लगे हुए हैं, डांस होते हैं अप्सराओं के, अप्सराएं घूम रही हैं, देवता घूम रहे हैं, यानी वहाँ हर तरह की, जिसको हम आनंद मानते हैं, इस झूठे सुख को जिसको हम सुख मानते हैं, वो स्वर्ग में पूरा उपलब्ध है, जैसे होटल में सब व्यवस्था होती है, लेकिन उस स्वर्ग रूपी होटल में अत्यधिक और भी ज़्यादा ऐसी सुविधाएं, और वहाँ नाच गाने, झरने बह रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बगीचे हैं बड़े बड़े फलदार, तो वो आत्मा इस शरीर के अंदर उस चैनल पर अपना ध्यान एकत्रित कर देती है, केंद्रित कर देती है, समझो वो फिल्म देख रहा है।
अब उस फिल्म के देखने से उसे उसका जीवन नष्ट हो रहा है, लेकिन परमात्मा के लिए वो बैठा है, उसके पाने के लिए बैठा है। उस दयालु ने एक और रजा बख्श रखी है, उसके लिए समाधिस्थ होने का समय जो परमात्मा के लिए उसने डिवोट किया, वो समय उसका तप में काउंट हो जाता है, उसका तप बन जाता है, और तप से उसको राज्य प्राप्त होता है। समाधिस्थ होने से पहले वो जो नाम जाप करता है, क्योंकि ऋषिजन पहले ओम नाम का जाप जपते थे और कोई मंत्र नहीं जपते थे, जो भगवान पाने के लिए ट्राई कर रहा होता है। ओम नाम का जाप प्लस में हठ योग, हठ योग करने का किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। ओम नाम का जाप का प्रावधान है वेदों में, लेकिन ये ब्रह्म तक का है, जन्म मृत्यु इससे नष्ट नहीं होती, पापनाश इस केवल ओम मंत्र से नहीं होते। तो ये साधना उपलब्ध होती रही। एक समय मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था, अब इंद्र की पदवी यानी स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राजा को इंद्र कहते हैं। इंद्र वैसे प्रभु का नाम है, परमेश्वर का उपमा है कि सर्व सुखदाई परमात्मा, तो उसी के नाम से इन्होंने इंद्र का नाम रखा हुआ है। इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, 72 चतुर्युग उसका शासन रहता है, 72 चतुर्युग। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चार युग होते हैं। चारों युगों का कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ऐसे 72 बार ये चतुर्युग पूरे हो जाएंगे, तब तक वो इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहेगा। उसके बाद इंद्र की मृत्यु हो जाती है। फिर दूसरा जो पुण्यकर्मी प्राणी जिसने ऐसी साधना की है, इंद्र की पदवी प्राप्त करने के योग्य जो उसने साधना कर रखी है, वो पंक्ति में होता है, वेटिंग लिस्ट में, उसको फिर इंद्र बना दिया जाता है, और जिसका शासन काल पूरा हो गया वो गधे की योनि में सीधा जाता है। ऐसा विधान है इसका। तप से राज्य, राज्य मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप से राजा बनता है, राजा अहंकार करके इतने जुल्म कर देता है, इतने पाप इकट्ठे कर लेता है, तो सीधा फिर पशु योनि में जाता है। अब इंद्र जो वर्तमान में इंद्र शासन कर रहा है, राजगद्दी पर विराजमान है, उसको एक विशेष इंस्ट्रक्शन भी होती है, एक हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में यदि किसी ने इंद्र की पदवी पाने योग्य कोई तप या धर्म कर लिया, कोई पुण्य कर दिया, जैसे 100 मन देसी घी, गाय का या भैंस का घी 100 मन एक बार यज्ञ में लगाना होता है, और उस जैसे भंडारा भी करना है, हवन भी करना उसी में से, जिसमें 100 मन देसी घी यानी गाय भैंस का घी प्रयोग होगा, तो उसमें अन्य सामग्री कितनी लगेगी, आटा, दाल, नमक, चावल, वो कितने लगेंगे ये हिसाब लगाना, और उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। एक यज्ञ के संपूर्ण होने की कुछ टर्म कंडीशन होती हैं, और उन कंडीशनों में से एक भी कंडीशन भंग होगी, एक भी नियम भंग हो गया, तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं मानी जाती, चाहे उसने 100 मन देसी घी प्रयोग भी कर दिया हो। सभी टर्म एंड कंडीशंस को पूरा करता हुआ और 100 यज्ञ 100 मन देसी घी को की पूरी कर दे, उसको इंद्र की पदवी मिलती है। और दूसरी तरफ कोई तप करता है और तप के दौरान उसका तप खंड नहीं होता है, विषय वासना उसमें उत्पन्न नहीं होती है, तो वो भी इंद्र की पदवी पाने योग्य हो जाता है। तप से राज्य मिलता है, चाहे स्वर्ग का राज्य हो चाहे पृथ्वी का राज्य हो, इन दो ही कारणों से मिलता है, पुण्य से और तप से। इंद्र को ये चिंता लगी रहती है कि तेरे शासन काल में कोई तेरी पदवी को पाने के योग्य कोई तप ना कर ले, धर्म ना कर ले, यदि उसके शासन काल में किसी ने ऐसा इस उद्देश्य से कर लिया
और वो सफल हो गया, इंद्र को पता नहीं लगा, तो वर्तमान इंद्र को बीच में ही उसका शासन छोड़ना पड़ेगा और उसको गद्दी पर विराजमान कर दिया जाएगा। इस चिंता के कारण इंद्र चिंतित रहता है और वो हलकारे छोड़ देता है पृथ्वी पर। देवता घूमते रहते हैं गुप्त रूप में, यही ध्यान रखने के लिए कि कोई ऐसा तप धर्म ना कर ले जिससे इंद्र की पदवी जाती रहे। इसी दृष्टिकोण से जब उसको पता चला कि एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में वहां तपस्या कर रहे हैं, इंद्र ने एक उर्वशी भेज दी, एक सुंदर स्त्री स्वर्ग की अप्सरा, और उसको हिदायत दी गई थी कि तू उसको मार्कंडे ऋषि का तप भंग करके आ। उसने जाकर के वहाँ उस क्षेत्र में एक सुंदर वातावरण उत्पन्न कर दिया, सिद्धित है, बहुत ना गर्मी ना सर्दी, बहुत सुंदर वातावरण, महक छोड़ दी, अपने आप सिद्धि से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे हर तरह की बाजे बज रहे हों साजबाज से, और स्वयं वहाँ उस ऋषि के सामने 20-30 फुट पर डांस करने लगी, नाचने लगी। अब उसने सारा कुछ कर लिया लेकिन मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। उसने अंत में क्या किया कि अपनी कमर का नाड़ा तोड़ दिया, अर्थात नी वस्त्र हो गई। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, या तू क्या करने आई? उर्वशी शर्मिंदा होगी, वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडे ऋषि, ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, इस बनखंड के अक्षेत्र में जितने भी तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही होश आवाज खो बैठे, तुम्हारी समाधि ना जाने कहाँ थी, तुम जानो। आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे साथ इंद्र लोक चलो। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी जो समाधि थी, अर्थात जहाँ मेरी दृष्टि पहुँची हुई थी, जहाँ मैं देख रहा था डांस, वहाँ डांस करने वाली इतनी सुंदर स्त्रियाँ थी तेरे जैसी, तो उनके बंदी थी साथ साथ, नौकरानी थी उसके पैर दौड़ने वाली, फिर मैं तुझे क्या देखूं। अपुण आत्मा, परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि हम इन ऋषि महर्षियों को, इन ड्रामेबाजों को जो गांव के बनी में बैठ जाते हैं, धूना लगा लेते हैं, पांच चार आग के भट्ठ बाड़ देते हैं चारों तरफ के, और घंटा दो घंटा बैठ कर मूर्ख बनाते हैं हमारे को, इनका पल्ला क्यों होगा जब ऐसे ऐसे ऋषियों के साथ क्या बीती, उनको क्या प्राप्ति हुई। अब मार्कंडे ऋषि समाधिस्थ हो रहा था, वो समाधि लगा रहा था, समाधि में क्या देख रहा था कि ब्रह्म लोक में इस काल ने एक और कमाल कर रखा है, वहां पर एक महा इंद्र का लोक बना रखा है, महास्वर्ग, और उस महा इंद्र के लोक के ऊपर नकली सतलोक, नकली अलख लोक और डुप्लीकेट अगम और अनामी लोक रच रखे हैं, दुर्गा से रचवा रखे, माया से बनवा रखे हैं। प्रथम तो ये प्राणी ब्रह्म लोक के प्रथम स्टेज पर ही संतुष्ट हो लेता है, वहीं पर अपना जीवन नष्ट करना शुरू कर देता है। महास्वर्ग है, एक तो कॉमन स्वर्ग है, जिसने थोड़ा बहुत धर्मपुण किया हुआ कुछ समय के लिए उस स्वर्ग में उसको भेज देते हैं, और एक प्रत्येक प्रभु यानी श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी और दुर्गा जी के लोक में भी स्वर्ग हैं, रेस्टोरेंट हैं, यानी स्वर्ग माने सुख में